ये वो तस्वीरें जब जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मतदान करने के बाद में अपने पूरे परिवार के साथ में निकले हैं, और मुमकिन है कि ये जो कामेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पर दर्शन भी करें, तो अमित शाह के साथ में उनका पूरा परिवार इस वक्त नजर आ रहा है। और देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी पत्नी इस वक्त उनके साथ साथ चल रही है, और जो अमित शाह का जो पूरा परिवार है वो जो पूरा मतदान किया है। और एक चीज़ और दिलचस्प वो बात कहूँगा या जानकारी कहूँगा कि जब जो अमित शाह मतदान करने पहुँचे तो बहुत सारे लोग, जिस बात कर लीजिए जिक्र किया था कि अमित शाह कामेश्वर महादेव मंदिर में पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, जनता रूपी जो है भगवान के वो एक तरह से दर पे तो पहुँच चुके थे, लेकिन अब यहाँ पर वो पहुँचे हैं मंदिर में पहुंचे हैं, और मंदिर में जो पहुंच करके भगवान का आशीर्वाद और साथ में उनकी अर्धांगिनी भी मौजूद है। तो ये आपके पास संकेत नीरज भी वहीं पर मौजूद है, जरा नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज ऊपर खड़े हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको बता दूं रोमाना की इस समय मैं कामेश्वर महादेव मंदिर में ही हूं, जहां पर वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, और इसके बाद वो मीडिया से बात करेंगे, बाइट देंगे, लोगों से अपील करेंगे। लेकिन फिलहाल गृहमंत्री अमित शाह को सीधी तस्वीरें आप देखिए, महादेव कामेश्वर महादेव मंदिर में अपने परिवार के साथ उनकी पत्नी और उनके बेटे बहू सब लोग इस समय हैं, और उन्होंने अभी इससे पहले यानी कि महज 2 मिनट पहले उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। वोट डालने के बाद परिवार के साथ, क्योंकि बिल्कुल महादेव मंदिर जहां पर पोलिंग बूथ था उसके जस्ट बिल्कुल बगल में है, तो महादेव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं परिवार के साथ। और महादेव मंदिर में दर्शन पूजन के बाद बगल में ही यहीं पर नीचे उतरेंगे बाहर, और एक बूथ बनाया गया वहाँ पर वो मीडिया से बात करेंगे, अपनी बाइट देंगे और लोगों से अपील करेंगे। लेकिन फिलहाल अब की जो सबसे बड़ी खबर यही है, तस्वीर यही है, देश के गृह मंत्री गांधीनगर से लोकसभा के उम्मीदवार गृह मंत्री अमित शाह अपना उन्होंने वोट डाल दिया है, उनके परिवार के सारे सदस्यों ने भी वोट डाल दिया है, और वोट डालने के बाद अब वो भगवान के दरबार में पहुंचे हैं, महादेव के दरबार में पहुंचे हैं, महादेव से अपने लिए कामना पूजन अर्चन करने पहुंचे हैं। उनकी पत्नी चूंकि महादेव का जलाभिषेक करते हुए इस वक्त पत्नी के साथ नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। नीरज, कामेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे हैं और पत्नी के साथ अब वहां पर पूजा अर्चना करते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। नीरज जी बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल पूजा अर्चन कर रहे हैं, और चूंकि मैंने पहले ही कहा कि उनकी पत्नी और उनका पूरा परिवार बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का, उनकी पत्नी पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखती हैं, और यही और गृहमंत्री अमित शाह भी जहां भी जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, हमने बहुत सारे जगहों पर कवर किया, जहाँ जाते हैं किसी भी पोलिटिकल इवेंट में तो आसपास किसी धार्मिक स्थल में या मंदिर में दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। तो आज जब वो अपना खुद वोट डालने पहुँचे हैं और इसी इलाके में रहते थे, इसी जहाँ पर मंदिर है, मंदिर के ठीक बगल में शिवकुंज सोसाइटी है जहां वो उन्होंने 2012 तक समय व्यतीत किया है, और वोट भी आज वहां डालने, आज भी वो वोटर इसी इलाके के हैं, उन्होंने अपना वोट चेंज नहीं कराया, जिस पोलिंग बूथ पे वो पहले वोट करते थे आज भी उसी पोलिंग बूथ पर वोट कर रहे हैं। जब तो उस समय ये और अति आवश्यक हो जाता है कि वोट करने के बाद वो भगवान का दर्शन करें, और उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए ही पहुँचे। अभी फिलहाल उनकी कामेश्वर महादेव मंदिर से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वोट डालने के बाद अमित शाह परिवार के साथ कामेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, वहां पर बाबा का जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की, और अब मंदिर से बाहर निकलते हुए ये तस्वीरें उस समय की जब पत्नी के साथ अमित शाह ने कामेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की, उस समय की तस्वीरें आपके सामने। मतदान कर दिया है,
वोट डाल दिया है। जनता की अदालत में आज बतौर उम्मीदवार अमित शाह को लेकर गांधीनगर के लोग वोट डाल रहे हैं, जनादेश अपना ईवीएम में कैद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरी तरीके से आश्वस्त अपने इस चुनाव को लेकर अमित शाह वोट डालने के बाद परिवार के साथ कामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं, और यहीं पर कामेश्वर मंदिर से ही हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी, नीरज पांडे भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, अब बाहर की ओर निकल रहे हैं अमित शाह परिवार के साथ, और अब यहां से सीधे अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे, या अभी और भी कोई कार्यक्रम है इस इलाके में अमित शाह का? नीरज, देखिए रोमाना, अभी फिलहाल ये पूजा पाठ करने के बाद, देखिए आप तस्वीरें आप देखिए, सीधी वो बाहर निकल रहे हैं। अभी आप बाहर निकल के वो मीडिया बैठ देंगे और फिर अपने एक बार अपने घर जाएंगे। घर जाने के बाद थोड़ी देर वहाँ कुछ पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, चूँकि आज उनका चुनाव है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकालने की अपील भी करेंगे, और इसके बाद आज इनके खुद के 3 ऑफिशियल कार्यक्रम लगे हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ पर वो जाएंगे और जाकर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह को, जो इस समय मंदिर से निकल आए हैं, मंदिर के बाहर निकल आए हैं, और अब वो मीडिया को बाइट भी देंगे। मीडिया बाइट के बाद ही वो यहां से निकलेंगे, लेकिन फिलहाल वो मंदिर के बाहर आ चुके हैं, और यहां से मीडिया बाइट देने के बाद सीधे अपने आवास पर जाएंगे। आवास के बाद चुनाव कार्यालय जाएंगे, चुनाव कार्यालय में कुछ पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, चूंकि आज उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट पड़ रहा है, खुद वो कैंडिडेट है गांधीनगर से, और उसके बाद दिल्ली से बाहर निकल जाएं, चूंकि आज उनकी 3 महत्वपूर्ण सभाएं अलग अलग हिस्सों में देश के लगी हुई हैं, जहां पर जाके वो चुनावी सभाएं करेंगे। लेकिन आप देखिए वो मंदिर के बाहर जो एक स्टॉल बनाया हुआ है, एक जहाँ पर मीडिया बाइट के लिए रखा गया, मैं आपको उनकी बातें भी सुनवाता हूँ कि क्या वो बोलने वाले हैं, चूँकि मीडिया को संबोधित करने जा रहे गृह मंत्री अमित शाह। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।